हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि व्हाट इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या चीज है, और हमारा जो मेनली फोकस होगा वो होगा मैथमेटिकल प्रीफिक्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं कि प्रीफिक्स क्या चीज है। अगर हम प्रीफिक्स को ब्रेक करें तो हमारे पास दो लफ्ज आते हैं, प्री मतलब बिफोर यानी के पहले, जिस तरह प्रीपेड होता है कोई सा भी आप मोबाइल से में आपके पास वो प्रीपेड है तो आप उसमें पहले बैलेंस रिचार्ज करवाते हैं फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और एक प्री का जो ऑपोजिट होता है वो होता है पोस्ट, जिस तरह पोस्ट पेड सिम होती हैं यानी कि आप उसमें वो बिलिंग लाइन होती है, आप फोन करते हैं और एंड में आपको पास आपके पास बिल आता है कि भाई आपका इतना बिल आया है तो आपको भरना है वो। तो प्री का मतलब होता है बिफोर, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। और फिक्स का मतलब होता है लगाना, कोई भी चीज आप फिक्स कर देते हैं जगह पे लगा देते हैं तो उसको हम बोलेंगे अप्लाइड। तो प्रीफिक्स का हमारे पास क्या मतलब आ गया, अप्लाइड बिफोर, ठीक है जी। कोई सा भी लव्स या लेटर जो हम पहले लगाएं किसी भी लेटर या डिजिट के उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अब फॉर सपोज, जिस तरह हमारे पास होता है 10^-3, 10^3, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आज की जो मेरी वीडियो है मैथमेटिकल प्रीफिक्स के ऊपर वो यही है कि हमारे को इन पावर्स का डिफरेंस पता करना है। और मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपको पावर्स मालूम करने में जो है वो बहुत बहुत हेल्प करेंगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से ज्यादा फायदा उठा सकें, और इस वीडियो को एंड में प्लीज शेयर भी जरूर करिएगा। हमें मैथमेटिकल प्रीफिक्स समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लेंथ का मेजरिंग यूनिट उठाया है जो है मीटर। अगर कोई भी लंबाई है हमें उसको नापना है तो हम उसको मीटर में नापते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब बहुत सारे लोग हैं, अब देखिए मीटर एक ही है लेकिन उससे पहले ये प्रीफिक्स है हमारे पास, पैको है, नैनो है, माइक्रो है, मिली है, सेंटी है, डेसी है। अब इसको फॉर सपोज अगर हम पैकोमीटर लिखेंगे 10^-12, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 10^-9, माइक्रो मींस 10^-6, मिली मींस 10^-3, सेंटी मींस 10^-2, और डेसी मींस 10^-1, या फिर आप इसको जो है -0.1 भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें मेमोराइज कैसे करना होगा यार, कि -2^-3, -6, -9, -12 पैकोमीटर है, -9 नैनोमीटर है, -6 माइक्रोमीटर है, -3 मिलीमीटर है। अब इसको याद करने का मेरे पास एक बहुत सिंपल और बेसिक सा एक जो है वो ट्रिक है, जो आप अगर याद कर लें तो मेरे ख्याल आप जो है इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एक इस पे वर्ड बनाया था कि वो है प्यूपल्स, अब नैनो है तो मैंने नो को, अभी के एन ओ डब्ल्यू वाला नो है, के एन ओ डब्ल्यू, लेकिन मैं इसको नो लिख रहा हूं, प्यूपल नो माय मेड, माय मीट इज कॉन्शियसली ड्यूटीफुल, यानी कि पीपल्स नो माय मीट इज कॉन्शियसली ड्यूटीफुल, यानी कि लोगों को पता है कि मेरे घर में जो आया या नौकरानी काम करती है वो कॉन्शियसली बहुत ही ड्यूटीफुल है, बहुत ही जिम्मेदारी से काम करती है।
अब pupils means पैको, no means नैनो, my means माइक्रो, made means मिली, is हटा देते हैं हम, ठीक है, made is consciously means senti, ड्यूटीफुल means डेसी। तो अगर आप ये वर्ड एक याद कर लें तो मेरे ख्याल से आपको इसको याद करने में कोई भी झिझक नहीं होगी, आप बा आसानी इसको जो है याद कर सकते हैं, आपको पावर्स का पता चल जाएगा। और पावर्स आपको कैसे करनी है, अब देखिए, अब हमने ये वर्ड याद कर लिया, अब इसको हम उल्टी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे, इसमें माइनस पावर वन है, ठीक है। अब वन टू थ्री, थ्री तक तो हमें सिमिलर पावर लेकर आनी है, यानी कि हम सीरियल नंबर से वन टू थ्री आएंगे। अब थ्री के बाद फिर हम थ्री ऐड कर देंगे माइनस सिक्स, फिर हम थ्री ऐड कर देंगे माइनस नाइन, फिर हम थ्री ऐड कर देंगे माइनस ट्वेल्व। तो ये भी हमारे को बहुत आसानी से याद हो सकता है। अब हमारे पास आ गई पॉजिटिव पावर्स, यानी कि वो हमारे पास नेगेटिव पावर्स थी, ये हमारे पास पॉजिटिव पावर्स है। अब इसमें क्या हमारे पास है, डेका मीन्स 10 की पावर प्लस 1 कर देते हैं, यानी कि सिंपल 10, और हेक्टो मीन्स 100, यानी कि 10 की पावर प्लस 2, ठीक है। किलो मीन्स 10 की पावर 3, यानी कि ठीक है। अब मेगा मीन्स, अब इसमें भी उसी तरीके से हम लाएंगे 1 2 3, अब हम आ जाएंगे 6 पे, यानी कि 1 के बाद 6 जीरोज है, ठीक है। मेगा मीन्स 10 की पावर प्लस 6, गीगा मीन्स, ठीक है, अब टेरा मीन्स, ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव पावर्स आ गई। अब इसको याद करने के लिए मैंने जो लफ्ज बनाया है वो है बहुत आसान, कि डॉक्टर हैविंग किलो मैंगो एंड गुआवा थ्राइसली, यानी के डॉक्टर जो है वो 1 किलो आम और अमरूद तीसरी दफा खा रहा है, दिन में तीसरी दफा आम और अमरूद वो खा रहा है। डॉक्टर मीन्स डेका, हैविंग मीन्स हेक्टो, किलो मीन्स किलो, मैंगो मीन्स मेगा, एंड हम हटा देते हैं तो हमारे पास एंड गुआवा मीन्स गीगा, एंड थ्राइसली मीन्स टेरा। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस भी बल्कि ना करें, आप बस ये लफ्ज याद कर लें और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पता चल जाए कि, अब देखिए डॉक्टर क्योंकि थोड़ी बड़ी शख्सियत होती है तो इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए कि जब हम हमारे पास बड़े नंबर हैं तो हम डॉक्टर, डॉक्टर वाला जो हमारा सेंटेंस है वो हमारे बड़े नंबर है, और जिसमें मेड वाला नंबर है तो मेड का औहदा छोटा होता है तो वो हमारे छोटे नंबर हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।